बात करें यहाँ से सोयाबीन की, तो देख रहे हैं कि सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 5420 पर कारोबार करता नजर आ रहा है। 3.5% का निचला सर्किट आज सोयाबीन के अंदर लग चुका है। दरअसल सोयाबीन का जो रकबा है पिछले साल के मुकाबले लगभग बराबर ही होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में ऐसे आंकड़े नज़र आ रहे हैं, प्राइवेट फर्मों से भी ये खबरें मिल रही हैं, दूसरा सरकारी आंकड़े भी यही कह रहे हैं। अब हमने सोयाबीन की कीमतें 10,000 तक 12,000 तक जाती हुई देखी थी हाजिर के अंदर। बात करें वायदे की, तो वायदे में भी हमने 10,000 के पार जाती हुई देखी थी सोयाबीन की कीमतें, अच्छी खासी मिली थी। लेकिन तब सोयाबीन की फसल नहीं आई थी मंडियों के अंदर, किसान की उपज नहीं आई थी जब वायदा बाज़ार में ये दाम देखने को मिल रहे थे। और उस समय की बात है जब सोयाबीन की बुआई का वक्त चल रहा था गर्मियों में, तब किसानों को उम्मीद थी, एक आस थी कि चलो अगर अभी कीमतें अच्छी हैं तो अच्छी बात है, महंगा बीज लेके बुआई कर लेते हैं। किसानों ने 10-10, 12-12 हज़ार का जो बीज था सोयाबीन का, जो काला बाजारी करके बेचा जा रहा था, बेचारों ने महंगा बीज खरीद के बुआई करी। और अब उस समय ये शोर मचा हुआ था कि सोयाबीन की किल्लत है, किसानों को बुआई कर लेनी चाहिए, अच्छा कर लेना चाहिए। किसानों ने बुआई तो करी, लेकिन किसानों ने जो बीज खरीदा वो अपने पैसों से खरीदा है, और दूसरा सरकार के पास भी बीज का स्टॉक नहीं था सरसों का, तो सरकार ने भी उस समय हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास सोयाबीन का बीज उपलब्ध नहीं है, तो जो किसान है वो दूसरी फसलों की ओर शिफ्ट कर जाएं। तो जो किसान ही थे जिन्होंने महंगा बीज खरीद कर सोयाबीन की बुआई करी, और आज वही किसान है जिनको सोयाबीन, उनकी फसल सोयाबीन का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। 10,000 तो पहले वायदा में दिखा दिया कि वायदा में अच्छे दाम देखने को मिलेंगे, और अब सोयाबीन का सरकार ने आयात कर दिया कि सोयाबीन की कमी है, सोया खली का आयात कर लिए पोल्ट्री उद्योग के लिए, जिससे पोल्ट्री उद्योग को राहत दी जा सके। हालांकि पोल्ट्री उद्योग को राहत देने के लिए किया गया था, लेकिन इसका जो असर है किसानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आया है। अगर सरकार यही सेम फैसला, यही सेम डिसीजन तब ले लेती जब किसान महंगा बीज खरीद कर सोयाबीन की बुआई कर रहा था, तब इतना किसानों को नुकसान नहीं होता जितना अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस समय वायदा बाजारों का जो असर था सोयाबीन की बीज की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नज़र आया था, क्योंकि किल्लत काफ़ी ज़्यादा थी और वायदा में उछाल मार रही थी सोयाबीन की जो कीमतें, वायदा बाजार में उछाल मार रही थी ज़्यादा, और कालाबाजारी बीजों की ज़्यादा हो रही थी। अगर सरकार जल्दी फैसला लेती और उस समय आयात करती तो शायद से किसानों को सोयाबीन के अंदर इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता जितना अब झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब वो ज़्यादा ही झेलना पड़ रहा है। जहाँ पे किसानों को 10,000 की उम्मीद थी, अब वही सोयाबीन 3,000-4,000 तक भी बिकनी मुश्किल है। और दूसरा सोयाबीन किसान अब दोहरी मार खाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि किसानों की जो फसल खेतों में खड़ी है सोयाबीन की, वो बारिश से तबाह हो रही है। कुछ राज्यों में मानसून के फिर से सक्रिय होने से इतनी तेज बारिश हो रही है कि सोयाबीन की जो फसलें हैं खड़ी फसलों में खेतों में तैयार हैं वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं, और अभी तक कोई सर्वे नहीं किया जा रहा है, अभी ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं। अब किसानों के यही आस है कि जिस हिसाब से पहले या तो इसको एक अफवाह कह लें या फिर एक हवा कह लें कि हवाबाजी कर दी गई या फिर अफवाह फैला दी गई कि सोयाबीन के उत्पादन पहले की तरह बराबर रहेगा और रकबा बढ़ गया है, जिस हिसाब से अभी बारिश से सोयाबीन की फसल तबाह हो रही है, अगर उत्पादन के आंकड़े कुछ साफ होते हैं और कुछ कमी देखने को मिलती है उत्पादन में, तब तो किसानों को हो सकता है कि कुछ थोड़ी राहत मिले और कुछ सोयाबीन के दाम कुछ बेहतर मिलते हुए नज़र आए। अदरवाइज़ सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो ऐसी ही हाल फिलहाल में देखने को मिलती रहेंगी, गिरावट ही देखने को मिलती रहेगी, और किसानों की उपज में नमी का हवाला देकर सोयाबीन के किसानों को कम दाम दिए जा रहे हैं मंडियों के अंदर, यही सीन अभी देखने को मिलता रहेगा। तो ओवरऑल अभी सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है।